किसान भाई बहनों को झुमकी बहन का तहे दिल से जोहार नमस्कार, और साथ ही साथ गंदरू भाई की तरफ से भी किसान भाइयों को नमस्कार। तो गंदरू भाई, क्या ख्याल है? गर्मी तो बहुत तेज है। बहुत तेज गर्मी है भाई, बहुत तेज गर्मी है, और इस गर्मी से किसान भाइयों को तो बचने की आवश्यकता है ही, और हम सबको ही बचने की जरूरत है। लेकिन कार्यक्रम हम शुरू करें? बिल्कुल करते हैं। चलिए देखते हैं कृषि समाचार, जहां आपको मिलेगी ढेर सारी जानकारी। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है, मैं हूं किरण। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। कोडरमा के मछली पालक निजी जमीन पर कर सकेंगे अनुदानित तालाब का निर्माण। इस खरीफ मौसम में बीज की गुणवत्ता जांचने के लिए बनेगा निगरानी सेल। और कोहरा के बेहतर उत्पादन के लिए लगाएं उन्नत प्रभेद CO1। अब समाचार विस्तार से। कोडरमा जिला मत्स्य पदाधिकारी कार्यालय द्वारा कोडरमा जिले के मत्स्य कृषकों को उनके निजी जमीन पर अनुदान पर तालाब निर्माण की योजना चलाई जा रही है। एक एकड़ के तालाब निर्माण के लिए मॉडल इकाई लागत 3 लाख रुपए है। इसमें अनुसूचित जाति और जनजाति के लाभुकों को 90% अनुदान और सामान्य कोटि के लाभुकों को 80% अनुदान की सुविधा मिलेगी। शेष राशि लाभुकों को स्वयं वहन करना होगा। आवेदन करने की अंतिम तारीख 15 जून 2015 है। बीज विनिमय कार्यक्रम के तहत इस वर्ष खरीफ के लिए किसानों को दिए जाने वाले बीज की गुणवत्ता की जांच की जाएगी। इसके लिए कृषि निदेशालय की ओर से एक निगरानी सेल का गठन किया जाएगा। इसके अलावा बीते दिनों कृषि सचिव ने अधिकारियों को खरीफ के लिए किसानों को समय पर बीज उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। किसान भाई, फलदार फसल बेल में मुख्य रूप से फल छेदक और फल मक्खी कीट लगने का ज्यादा खतरा रहता है। बेल को इन कीटों से बचाने के लिए इंडोक्सा कार्ब दवा का उपयोग करें और फल बाग में फिरामोन ट्रैप लगाएं। बागवानी फसल बेल में फल छेदक या फल मक्खी कीट का प्रकोप हो तो इसके रोकथाम के लिए इंडोक्सा कार्ब दवा की 0.5 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर फसल पर छिड़काव करें। इसके अलावा फल मक्खी कीट के रोकथाम के लिए प्रति 10 वृक्ष पर 1 फिरामोन ट्रैप लगाएं। बेल में कीटों में हम देखें तो मुख्य रूप से इसमें दो कीट कुछ समस्या किसानों को सामने होती है, दो कीटों की, फल छेदक कीट और फल मक्खी। तो इसके प्रबंधन के लिए जब आपका जब बेल का जो फल है, जब ये नींबू का आकार का या अमरूद के आकार का हो, उस अवस्था में इंडोसा कार्प नाम की दवाई का आप छिड़काव कीजिए। आपको इसका जो मात्रा है वो है आपका कि 0.5 ml प्रति लीटर आप इसका छिड़काव करेंगे तो आपका फल मक्खी एवं फल छेदक कीट दोनों से आपको इससे निदान मिल जाएगा। साथ में आप फेरोमोन ट्रैप भी 10 वृक्ष प्रति ट्रैप आप लगाएंगे तो आप फल मक्खी से भी निजात पा सकते हैं। अपने राज्य के किसान लतेदार सब्जी फसल में अगर कोहरा की खेती करना चाहते हैं तो इस फसल से बेहतर उपज प्राप्त करने के लिए इसके उन्नत प्रभेद CO1, CO2, अर्का चंदन या अर्का सूर्यमुखी का चयन करें। लतेदार सब्जी फसल कोहरा की बुआई के लिए सबसे उपयुक्त समय जून से लेकर जुलाई तक का महीना है। बुआई में 4 से 6 किलो बीज प्रति हेक्टेयर की दर से उपयोग करें, जिसमें 2.5 से 3 मीटर की दूरी जरूर रखें। इन वैज्ञानिक विधियों का पालन करते हुए कोहरा के बेहतर उत्पादन के लिए झारखंड के लिए अनुशंसित प्रभेदों का चयन करें। इनमें CO1, CO2, अर्का चंदन और अर्का सूर्यमुखी शामिल है, जो 200 से 250 क्विंटल उपज देने की क्षमता रखता है। क्रिसेट हो, व्हील हो, ग्रबर या ग्रबर कम व्हील हो, ये सभी ऐसे कृषि यंत्र हैं जो बरसात के मौसम में सब्जी फसल लगे खेतों में खरपतवार निकालने का काम करते हैं। जो किसान खरीफ में सब्जी फसल की खेती करने जा रहे हैं वो खरपतवार निकालने के लिए इन उपकरणों का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब एक नजर राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस।
जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 28 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 28 डिग्री सेल्सियस। वहीं धनबाद का अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 28 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज कृषि उत्पाद बाजार समिति पंडरा रांची में विभिन्न खाद्यान्नों के थोक भाव कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। चावल मोटा 1950 रुपए से 2250 रुपए, चावल मध्यम 2350 रुपए से 2550 रुपए, चावल उत्तम 3550 रुपए से 4450 रुपए, गेहूँ 1700 रुपए से 1900 रुपए, चना 3250 रुपए से 3450 रुपए, दाल अरहर 7150 रुपए से 7800 रुपए, दाल मसूर 7000 रुपए से 7550 रुपए, दाल चना 3900 रुपए से 4500 रुपए, सरसों तेल 8700 रुपए से 9750 रुपए, चीनी 3050 रुपए से 3250 रुपए, आलू 550 रुपए से 1100 रुपए और प्याज 1700 रुपए से 1900 रुपए प्रति क्विंटल रहा। किसी समाचार में आज इतना ही, अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार, जोहार। तो किसान भाइयों, अभी आप देख रहे थे कृषि समाचार, जिसमें कृषि से संबंधित तमाम तरह की जानकारी आपको मिली, मौसम के मिजाज से अवगत हो गए और मंडी के भाव का भी पता चल गया। और अब झुमके भाई जानकारी देना चाहिए, एक छोटा सा विराम ले ले। चलिए ले लेते हैं, ले लेते हैं। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है, अब तो लाला जी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। विराम के बाद एक बार फिर से स्वागत है हमारे सभी किसान भाई बहनों का। जी हाँ, हमें पता है आपको जानकारी और भी चाहिए, तो हम हाजिर हैं। तो गंद्रू भाई, आज कौन सी जानकारी हम देने वाले हैं अपने किसान भाई? आज पहली जानकारी हम लोग किसान भाइयों को देने जा रहे हैं फ्रेंच बीन की सब्जी के उत्पादन के बारे में, कि अगर फ्रेंच बीन की खेती अगर आप कर रहे हैं किसान भाई और उसमें किसी तरह का कीट या रोग लग जाता है तो हम उससे कैसे बचाव करेंगे, इन तमाम बातों की जानकारी लेकर हमारे विशेषज्ञ मौजूद हैं। बिल्कुल, और हमारे विशेषज्ञ हैं डॉक्टर जयपाल सिंह चौधरी जी, तो आइए मिले फटाफट। किसान भाइयों जोहार। किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं कि आपने अपने खेतों में जो है वो बोदी और फ्रेंच बीन की जो खेती कर चुके हैं और अब जरूरत है कि उनकी हम देखभाल किस प्रकार से करेंगे और अगर उनमें कीट लग जाए तो उनका प्रबंधन हम किस प्रकार से करेंगे, और इसी विषय पर आज विशेष जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर जयपाल सिंह चौधरी, जो आपको इसके बारे में विशेष जानकारी देंगे। तो सबसे पहले सवाल हमारा ये है कि वो कौन कौन से मुख्य कीट हैं जो लग जाते हैं, उसके बारे में आप हमें बताएं। देखिए, अभी जैसे किसान भाई बात कर रहे थे कि फ्रेंच बीन और जो गर्मा बोदी है वो अभी खेत में लगा रखे हैं, और खेतों में मोस्टली हम देखते हैं कि जैसे ये लगाते हैं, लगाने के बाद में अभी सबसे ज्यादा अगर किसान भाई समस्या जो सामना करते हैं वो है पानी की समस्या, सिंचाई की समस्या। अगर इसमें अगर उसमें कीट लग जाता है तो उससे आपका जो पहले से मुरझा रहा है जो पेड़, क्योंकि कुछ काफी रस चूसने वाले कीट लगते हैं जो बोदी में, आपकी फ्रेंच बीन में, जिसकी वजह से पत्तियां जो पानी की कमी जैसे होती है वैसे मुरझाती है। अगर हम पत्ती को ध्यान से देखेंगे तो उसके ऊपर नीचे की तरफ छोटे छोटे कीट चलते हुए दिखाई देंगे, जिनको थ्रिप्स बोलते हैं, जो पत्ती से रस चूसते हैं। रस चूसने की वजह से जहाँ पे वो अपना सुई रूप होते हैं वहाँ पे एक तो फिजिकल इंजरी होती है और दूसरा है कि उससे रस चूसने की वजह से पहले पानी की कमी थी और दूसरा फिर से ज्यादा होगा, तो उससे अपना जो फूल है
और जो फल है उसको अपने ऊपर रिटेन नहीं कर पाता है, बनाए नहीं रख पाता है। इसके साथ साथ में उसका फूल झड़ता भी काफ़ी है, इनसे जिसकी आप गर्मा बोधी की और फ्रेंच बीन की बात कर रहे हैं। दूसरा उस काफ़ी बार देखते हैं यही कीट उसके फूल के अंदर भी लग जाता है। अगर फूल को थोड़ा खोल के देखेंगे उसमें काले रंग का छोटा छोटा कीट काफ़ी उसके अंदर लगा हुआ रहता है। हालांकि फल बन जाएगा लेकिन फल आपका उसमें शिकुड़ा हुआ रहेगा। और दूसरा जब भी आप इनकी गर्मा बोधी की जैसे आप बुआई किए थे तो किसान देखते हैं कि उसका पत्ते सिकुड़े हुए रहते हैं और सिकुड़े हुए पत्तों को वो पहचान नहीं पाता कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। एक ही प्रॉब्लम है, वो है थ्रिप्स की। थ्रिप्स की इसके साथ में जैसे ही आपका जो फली लगती है, फली में और जो फ्रेंच बीन की दोनों फलियों में आप कई बार देखते हैं कि फल छेदक जो कीट है वो उसमें लग जाता है, जो एक्सक्रीटा बाहर निकालता हुआ आपको दिखाई देगा, जिसकी वजह से आपका जो फली है वो खराब हो जाती है। तो दोनों के इसमें फल छेदक, और तीसरा कई बार बहुत कम लगता है जब पत्तियों को अगर पीछे की साइड से देखेंगे तो कुछ मिट्टी सी लगी हुई रहती है और उसका जो ग्रोथ है वो रुक जाता है, तो वो माइट की वजह से हो सकता है। लेकिन जो गर्मी में है माइट भी हो सकती है, थ्रिप्स भी हो सकता है। आप अगर कई बार टेम्परेचर अगर गिर जाता है गर्मियों के समय में दो चार दिन तक तो लाही की समस्या आएगी, लेकिन लाही की समस्या गर्मियों में इतनी नहीं रहती है तो किसान भाइयों को ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन थ्रिप्स से, मुख्य रूप से थ्रिप्स और फल छेदक कीट से, इसमें आपको गर्मा वोदी और जो फ्रेंच बीन है इसमें बचाव के आप किसान भाइयों को काफी कुछ करने की जरूरत। अभी आपने चर्चा की थ्रिप्स और जो है अगर फल छेदक ऐसे लग जाए, और आपने चर्चा भी की कि जो है काले कीट जो लग जाते हैं, तो हमारे किसान भाई बहुत ऐसे भी हैं जो पहचान नहीं पाते हैं, तो उसका लक्षण क्या है और कैसे पहचानेंगे उसके बारे में बताएं। जैसे मैंने बताया कि अगर कीट आपको दिखाई नहीं दे रहा आंखों से तो उसमें अगर पत्तियां मुड़ी हुई है, अगर पत्तियां मुड़ी हुई है और ऊपर का जहां से भाग बढ़ रहा है उस जहां पे बढ़वार है उस भाग को अगर देखेंगे तो वो आपको झुलसा हुआ थोड़ा ऐसे ऐसे मरा मरा सा दिखाई देगा, जिसको झुलसा हुआ बोलते हैं, तो इसका मतलब है कि उसमें थ्रिप्स लगा हुआ है। और इस कीट की रोकथाम के लिए सबसे पहले आप अगर जहाँ गर्मा जहाँ जिसकी इसकी गर्मा बोधी की बुआई कर रहे हैं तो वहाँ पर आप येल्लो स्टिकी ट्रिप्स जो मार्केट में मिलते हैं नोविन गोड के नाम से, आप उनको थोड़ी थोड़ी दूर पे 5-5, 10-10 मीटर की दूरी पे आप इनको लगाइए। इससे क्या होगा कि जो आपका जो कीट है उसका पता लग जाएगा कि वो आ रहा है नहीं आ रहा है, और उस पे आके आपके चिपक जो चिपक चिपक के मर भी जाएगा। तो आप नोमिन गोल्ड के जो येल्लो स्टिक ट्रेप्स हैं वो लगा सकते हैं। दूसरा, इसके साथ में अगर आपकी समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, क्योंकि पहले अगर कीट लग जाता है तो पत्तियाँ मुड़ी हुई हैं वो अंत तक आपकी फसल को अच्छा नहीं बढ़वार करने देती हैं, तो इस थ्रिप्स की कीट थ्रिप्स जो कीट है उसकी रोकथाम के लिए थायोमेथॉक्सम जो मार्केट में एक तारा के नाम से मिलता है, एक तारा एक ग्राम पाउडर, जो एक ग्राम पाउडर को 5 लीटर पानी के हिसाब से छिड़काव करें, और इस छिड़काव के बाद में अगर फिर से समस्या बनी रह रही है तो फिप्रोनील 1 ml प्रति लीटर के हिसाब से एक दूसरा छिड़काव 15 दिन के अंतराल पे फिर करें। अगर किसान भाई इन दोनों में से अगर मार्केट में खरीदने में सक्षम नहीं है तो उस केस में आप घर में अगर नीम के बीज हैं तो नीम के बीज का 4% का जो बीज का रस जो निकाल करके 4% के हिसाब से उसका छिड़काव भी कर सकते हैं, इससे कीट काफ़ी हद तक आपका नियंत्रण हो जाएगा। दूसरा, हम बात कर रहे थे कि थ्रिप्स हो गया, थ्रिप्स का नियंत्रण इस तरह आपको करने गर्मा बोधी में करने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि इसकी वजह से जैसे पहले सबसे पहले मैंने बताया था कि सिंचाई की कमी जैसे आपको लक्षण भी खेत में दिखाई देंगे। और दूसरा है कि आपको फल छेदक, अगर बारिश हो जाती है तो फल छेदक जो कीट है दोनों ही फ्रेंच बीन में और गर्मा बोधी में बहुत ज़्यादा जो आपकी बोधी है उसमें इसका प्रकोप काफ़ी बढ़ जाता है, अगर जहाँ पे आपको जो डायरेक्ट जो आपकी उपज है उसको नुकसान पहुँचाता है। तो इसके आपको रोकथाम के लिए अगर एंडोक्सा कार्प जो दवा है उस एंडोक्सा कार्प को 0.5 ग्राम यानी कि 1 ग्राम दवा को 2 लीटर पानी के हिसाब से एक छिड़काव करें, और छिड़काव करने के बाद में आप देखेंगे, क्योंकि छिड़काव करने के बाद में आप तोड़ करके इसको मार्केट में नहीं लाएं, तोड़ने से पहले छिड़काव करें। और इसके साथ में अगर आपको कीट बना रह रहा है तो इस कीट इस इंसेक्टिसाइड का छिड़काव नहीं करके दोबारा 10 से 15 दिन बाद में आप कोराजिन का छिड़काव भी कर सकते हैं, जो 1 ml को 5 लीटर वही उसकी भी दवा की मात्रा है, 1 ml 5 लीटर पानी के हिसाब से उसका भी आप छिड़काव कर सकते हैं। तो इन दोनों का आप दो कीट जो मुख्य रूप से आपकी गर्मा बोधी और फ्रेंच बीन में लगते हैं इसका आपको अच्छे से आपको अगर लक्षण का पता है तो आप नियंत्रण कर सकते हैं, और नियंत्रण के साथ में आपको अच्छी उपज मिल सकती है। तो किसान भाई ये ध्यान रखें, अगर थ्रिप्स आ रहा है तो एक तारा या
फिप्रोनिल आपको मार्केट में जो रीजेंट के नाम से मिलता है, इन दोनों में से किसी एक दवा का छिड़काव करें, और फल छेदक कीट की रोकथाम के लिए एंडोक्साकार या कोराजिन का आप छिड़काव करें। डॉक्टर साहब, जाते जाते एक सवाल जो है हम आपसे जरूर जानना चाहेंगे कि अभी आपने चर्चा की जो है सिंचाई की, अगर हमारे किसान भाई अगर अच्छे तरीके से सिंचाई करते हैं तो किस तरीके से कीट को जो है रोका जा सकता है, अभी आपने इसके बारे में चर्चा की तो हमें इसके बारे में बताएं। देखिए, अगर मैं जैसे बात कर रहा था कि अगर थ्रिप्स की, अगर थ्रिप्स में मुख्य रूप से थ्रिप्स की समस्या अगर आप ड्रिप में लगाते हैं तो उसमें थ्रिप्स बहुत ज़्यादा बढ़ता है, क्योंकि उसमें क्योंकि थ्रिप्स का जितना भी उसको जो वातावरण चाहिए उसके बाद में अगर वहाँ पे मॉइस्चर नहीं रहेगा, अगर जिसको क्या खुला मॉइस्चर नहीं रहेगा तो वहाँ पे ये कीट की समस्या ज़्यादा बढ़ती है। अगर आप स्प्रिंकलर से सिंचाई कर दे रहे हैं, बीच में एक आधी सिंचाई स्प्रिंकलर से, तो कीट काफ़ी हद तक नियंत्रण भी हो सकता है। तो आप स्प्रिंकलर से कीट सिंचाई करके कीट को वैसे भी नियंत्रण कर सकते हैं, क्योंकि आमतौर पर देखते हैं कि बारिश के बाद में इस कीट की संख्या काफ़ी कम हो जाती है, तो हम इसमें स्प्रिंकलर का छिड़काव करके कीट की संख्या को कम कर सकते हैं। डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। तो झुमकी बहन, जानकारी बड़ी अच्छी थी, बहुत अच्छी, और इस जानकारी से हमारे किसान भाइयों को भी लाभ पहुंचेगा। लेकिन कुछ और जानकारी हमारे पास है किसान भाइयों, लेकिन लेना पड़ेगा यहाँ झुमकी बहन छोटा सा विराम, कहीं जाइएगा नहीं, हम तुरंत आते। अरे जोहार मोहन दादा। जोहार जोहार सोहन, कहाँ से आ रहे हो दादा? बाजार गया था भाई। लगता है आज पूरा बाजार ही खरीद कर ले आए हो। अरे नहीं नहीं, इसमें पशुओं का दाना है और फसलों में छिड़कने वाली कीटनाशक दवाइयाँ हैं, और साथ में रसोई का सामान है, सब एक साथ। हाँ, अब रोज रोज बाजार जाना मुश्किल होता है ना। अरे सुनती हो? अरे लेकिन दादा, खाने पीने की चीजों के साथ रखकर कीटनाशी दवाओं का लाना खतरनाक हो सकता है। कैसे? दादा कीटनाशी विषैले होते हैं, इसके प्रभाव से खाने पीने की चीजें जहरीली हो सकती हैं, इससे हमारा स्वास्थ्य खराब हो सकता है। अरे हाँ, ये तो हमने सोचा ही नहीं। विराम के बाद एक बार फिर से स्वागत है हमारे सभी किसान भाई बहनों का। अरे गंदरु भाई, आज हमारा पुदना कहाँ चला गया? बस आपके बगल में खड़ा है। जो तब आके खड़े हो जाते पता ही नहीं चलता। तब भी स्वागत है। हाँ, तो स्वागत तो है ही। तब उधर गर्मी कैसा है सो बताओ? गर्मी तो बहुत है दादा। हाँ तो जून का महीना में तो जून पूरा निकाल दिया। जून का महीना में जून निकल गया। अच्छा चलिए, कोई जानकारी भी आपको चाहिए थी? अच्छा दादा, गर्मी तो चलिए रहा है, इस गर्मा में सब्जी का रोग निदान कैसे करेंगे उस बारे में बता देते ना। अरे मोर, गर्मा सब्जी में अगर किसी तरह का रोग लग जाता है, कीट लग जाता है, तो उसका निदान, गर्मा का निदान तुम क्या? कवाही जून आप तो नहीं, उन्होंने पहले ही कहा कि जून में जून चला जाता है। तो जानकारी कोई बात नहीं, चलिए जानकारी इस विषय के भी हम आपको दिलवा देते हैं, साथ ही साथ हमारे बुटना भाई भी देख लेंगे और जानकारी ले लेंगे। जानकारी दे रहे हैं हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर सुशील झा सुमन जी, आइए मिलते हैं उनसे। किसान भाइयों, आज हम मौजूद हैं बिरसा कृषि विश्वविद्यालय रांची में, और आज के अंक में हम आपको जानकारी दे रहे हैं गर्मा सब्जियों में होने वाले रोग और उसके लक्षण एवं उसके नियंत्रण के विषय में। हमारे साथ विशेषज्ञ मौजूद हैं इस विषय पर बात करने के लिए। गर्मा सब्जी जो किसान भाई लगा रहे हैं, तो इसमें मुख्य रूप से कौन कौन से रोग लगते हैं, इसके बारे में विस्तृत रूप से आप बताएं। मैं किसान भाइयों को बताना चाह रहा हूँ, जो गर्मा सब्जियों में जनरली हम लोग कुकुरबिटेसी फैमिली के सब्जियां लगाते हैं, जैसे कद्दू जाति जिसको बोलते हैं, कद्दू, करेला, कोहरा, खीरा, झिंगनी, परवल इत्यादि इत्यादि जो है ये कुकुरबिटेसी कुल के सब गर्मा सब्जी हैं। और गर्मा सब्जी में हम लोग अभी आजकल बैंगन भी लगा हुआ है, टमाटर भी लगा हुआ है, मिर्ची, शिमला मिर्च, ये सब भी लगा हुआ है। तो मैं एक एक करके समूह के बारे में बताऊंगा जी। इनमें सर प्रमुख रूप से कौन कौन से रोग लगते हैं, इसके बारे में? हाँ, इसके इसमें प्रमुख रूप से जो रोग लगते हैं, उसमें पहला रोग है कुकुरबिटेसी फैमिली वाले में, कुकुरबिटेसी कुल वाले में, कद्दू जातीय वाले में, जो मृदुरोमिल आसिता रोग, उसके बाद है चूर्णी फफूंद रोग, उसके बाद है एंथ्रैक्नोज रोग, उसके बाद है वायरल रोग, और फिर जो
टमाटर, बैंगन, मिर्च और शिमला मिर्च में जो मुख्य रोग लगते हैं वो है मलान या उकठा रोग। सर, आपने अभी मृदु रोमिल आसिता रोग के विषय में बताया, हम चाहेंगे कि आप उसके लक्षण और उसके नियंत्रण के बारे में आप किसान भाइयों को बताएं। हाँ, मैं किसान भाइयों को बताना चाह रहा हूँ जो मृदु रोमिल आसिता रोग के मुख्य लक्षण हैं, जो पत्तियों या तनों पर की निचली सतह पर, पत्तियों की निचली सतह पर या तनों पर छोटे छोटे नील रोहित रंग के धब्बे नज़र आते हैं। ये धब्बे आपस मिलकर बड़े हो जाते हैं और धब्बों के बीच में सफ़ेद रुईनामा नज़र दिखे जा सकते हैं, नज़र आते हैं, और यही इस रोग का पहचानने का मुख्य लक्षण है। जी, ये तो हो गई लक्षण की बात। से तो जो मृदु रोमिल आसिता रोग है, इसका नियंत्रण किसान भाई कैसे करेंगे, इसके बारे में आप बताएं। हाँ, मैं बताना चाह रहा हूँ किसान भाइयों को जो मृदु रोमिल आसिता रोग के नियंत्रण के बारे में, जो जब बीज लगाएं, जब सब्जियों को, तो बीज लगाने के पहले बीजोपचार करके लगाएं, जिसके लिए 1.5 से 2 ग्राम कार्बेंडाजिम प्रति किलोग्राम बीज के दर से बीजोपचार करके लगाना चाहिए। और खड़ी फसल में जब यह रोग नज़र आए तो इसके लिए कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, जिसका बाजारू नाम ब्लाइटॉक्स 50 है, 2.5 ग्राम दवा या रिडोमिल MZ 1.5 ग्राम दवा प्रति लीटर पानी में घोलकर आवश्यकता अनुसार 15 दिनों के अंतराल पर 1 या 2 बार छिड़काव करना चाहिए, तो इस रोग का कंट्रोल हो जाता है, रोकथाम हो जाता है। और मैं बताना चाह रहा हूँ जो हमेशा कोशिश करनी चाहिए, जो सर्टिफाइड सीड, प्रमाणित एवं स्वच्छ सीड का ही प्रयोग करें। सर, आपने अभी चुन्नी फफूंद रोग का नाम लिया था, हम चाहेंगे आप किसान भाइयों को उसके बारे में विस्तृत रूप से बताएं, उसके लक्षण और उसके नियंत्रण के बारे में भी बताएं। मैं किसान भाइयों को बताना चाह रहा हूँ जो चुन्नी फफूंद रोग भी एक मुख्य रोग है जो कुकुरबिटेसी कुल में ये रोग लगता है। इसका मुख्य लक्षण है जो सफ़ेद रंग के धब्बे पत्तियों पर और तनों पर बिखरे हुए नज़र आते हैं, यह पहचानने का मुख्य लक्षण है। और इस रोग की रोकथाम के लिए हम लोग जो है करते हैं, काराथेन एक रसायन है, जो काराथेन 1 मिलीलीटर दवा प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करना चाहिए। 15 से 20 दिनों के अंतराल पर आवश्यकता अनुसार 1 या 2 बार और स्वस्थ एवं प्रमाणित बीज का ही प्रयोग करना चाहिए। और खेतों में सड़ी हुई और गोबर की खाद और खली प्रचुर मात्रा में डालनी चाहिए। सर, ये बताइए कि गर्मा सब्जियों में जो एंथ्रेक्नोज रोग लगता है, इसका क्या लक्षण है, किसान भाई कैसे पहचानेंगे और इसका नियंत्रण किसान भाई कैसे करेंगे? हाँ, मैं बताना चाह रहा हूँ जो एंथ्रेक्नोज रोग जो है, यह भी बहुत मुख्य रोग, ये भी मुख्य रोग है। इसका मुख्य लक्षण है जो पत्तियों पर गोल काले गहरे धब्बे नज़र आते हैं, जो पत्तियों के ऊपरी और निचली सतह पर दोनों तरफ बिखरे हुए रहते हैं, ये इसका रोग का मुख्य लक्षण है। इसकी रोकथाम करने के लिए किसान भाइयों को कह जाते हैं जो कि जब हम बीज लगाएं तो बीजोपचार करके ही लगाएं, जिसके लिए रसायन है कार्बेंडाजिम 1.5 से 2 ग्राम दवा प्रति किलोग्राम बीज के दर से बीजोपचार करके खेत में लगाना चाहिए। और खड़ी फसल में जब यह रोग लगता है तो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, जिसका बाजारू नाम ब्लाइटॉक्स 50 है, वो 2.5 ग्राम दवा या रिडोमिल 2 ग्राम दवा या मैंकोजेब 2.5 ग्राम दवा प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करना चाहिए। छिड़काव 15 से 20 दिनों के अंतराल पर आवश्यकता अनुसार 1 से 2 बार करना चाहिए, तो इस एंथ्रेक्नोज
बीमारी की रोकथाम हो जाती है। सर ये अंत में और एक रोग बच गया जो उकठा रोग के नाम से हम जानते हैं, तो इसके विषय में आप संक्षिप्त में बता दें। हाँ, मैं ये किसान भाई बताना चाह रहा हूँ, जो एक उकठा रोग है वो उकठा रोग जनरली जो है वो टमाटर, बैंगन, मिर्च और शिमला मिर्च जो गर्मा में अभी लगा हुआ है उसमें ये रोग लगते हैं और एकड़ का एकड़ बर्बाद फसल बर्बाद हो जाती है। इस रोग का मुख्य लक्षण है जो पानी की कमी नहीं भी रहने पर में पौधे मुरझा जाते हैं और सूख जाते हैं और जब जड़ खोदते हैं तो जड़ काली हो जाती है। ये मुख्य लक्षण है और इसके कंट्रोल के लिए, इसके रोकथाम करने के लिए मैं किसान भाइयों को बताना चाह रहा हूँ, जो कि जब बिचड़ा तैयार हो जाता है तो उस बिचड़ा को 2 ग्राम स्ट्रेप्टोसाइक्लिन 10 लीटर पानी में घोलकर बिचड़ा के जड़ को 40 से 45 मिनट तक उसको डुबो के रखते हैं और उसके बाद खेत में लगाते हैं तो ये बीमारी नहीं लगती है। किसान भाई, आपने देखा कि हमारे विशेषज्ञ ने आपको गर्मा सब्जियों में होने वाले रोग, उसके लक्षण और उसके नियंत्रण के विषय में विस्तृत रूप से जानकारी दी। हम आशा करते हैं आप इन सभी जानकारियों से लाभ उठाएंगे। सर, आप हमारे कार्यक्रम में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तब उतना कैसे लगा जानकारी? देखिए दादा, जानकारी तो एकदम जून का महीना में एकदम ठीक है, जून मिला। चलिए, तो जानकारी तुमको भी मिल गई और हमारे किसान भाइयों को भी जानकारी मिल गई और हम उम्मीद करते हैं कि इस जानकारी से हमारे किसान भाइयों को लाभ मिलेगा। लेकिन किसान भाइयों, हम अभी आपको ले चलेंगे IMD पुणे। मौसम खेती परामर्श बुलेटिन। आज आसमान में बादल रहेंगे, हवा दक्षिण पूर्व की ओर से 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलेगी। आज का अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अब मौसम पूर्वानुमान पर आधारित कृषि सलाह। जो किसान भाई बरसाती सब्जियों भिंडी, बोदी, टमाटर, फूलगोभी, पत्ता गोभी आदि की खेती करना चाहते हैं वो खेत की तैयारी शुरू कर सकते हैं। मिट्टी में उपयुक्त नमी रहने पर किसान भाई खेत की जोताई ढाल के विपरीत दिशा में करें तथा मेड़ को दुरुस्त कर लें ताकि वर्षा जल का जमाव खेतों में ही हो। अगर मवेशियों को लू लग गई हो तो उन्हें ठंडे पानी से नहलाएं, सिर एवं नाक पर बर्फ का टुकड़ा रखें तथा आवश्यकता पड़ने पर एविल दवा की सुई लगवाएं। तो जानकारी कैसी लगी? एकदम जून टना टन लगा। तो उत्पादन भी धनाधन होगा। चलिए किसान भाइयों, तो ये जानकारी अच्छी थी और हम उम्मीद करते हैं कि ये जानकारी आपको भी पसंद आई होगी। और अब झुमकी बहन, लगता है हमारे कार्यक्रम का समय शेष होने वाला है। जी, एक जानकारी और देनी है। देखिए देखिए, हमारे दर्शक कागज और कलम ले करके बैठे हैं, बताइए क्यों? पता जून लिखवाना। तो पता लिखवाने से केवल लिखने से नहीं होता है, आपको खत भी हमें लिखकर जरूर भेजने, अपने सुझाव भी भेजने हैं। तो फटाफट कागज और कलम उठाए हुए हैं आप, तो लिखना स्टार्ट कीजिए। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची। पिन संख्या है 8304001। तो हमें रहेगा आपके खतों का बेसब्री से इंतजार। तो किसान भाइयों, इसी के साथ हम सबको दीजिए अनुमति। नमस्कार।